हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर एक स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थ्योरी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सभी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। और चाहे यूपी टीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी हो, राजस्थान पीटीआई हो, चाहे मध्य प्रदेश टीजीटी हो, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपके पास मध्य प्रदेश का वर्ग वन वर्ग टू दोनों एग्जाम 25 अप्रैल को होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। दोनों शिफ्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर हल कराऊंगी। प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ और अपना बेस्ट दीजिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि परीक्षा के 10 दिन पहले आप पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप अभी से मेहनत करिए, जो भी टाइम बचा है उसका पूर्ण उपयोग कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को वसा यानी फैट तथा टिश्यू यानी लीन टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं। तो हमारे शरीर में वसा और टिश्यू के मेल को बॉडी कंपोजिशन बोला जाता है और यह हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। तो अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है अरेखित पेशी, जो लंबे तुर्क के आकार का होता है और आंतरिक अंगों में यह पाया जाता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, फेफड़े, लीवर की पेशी आदि। इसका नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस द्वारा होता है और इसमें धीमा संकुचन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पेशियां तीन प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित, हृदय पेशियां यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां यानी कि जिसे स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, वह कंडराओं के द्वारा हड्डियों से जुड़ा रहता है। रेखित पेशियां जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, थकावट होता है, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जो हमारे या सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको नियंत्रित करता है। कंकाल पेशियों को, ऐच्छिक पेशियों को, जैसे हमारे हाथ पैरों में पाए जाने वाली जो पेशियां होती हैं, जब दिमाग हमारा संदेश देता है सीएनएस जो है, तभी यह कार्य करता है, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है। जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टायड, क्वाड्रिसेप्स, पेक्टोरिस मेजर आदि। इसमें संकुचन के लिए एक्टिनोमायोसिन जो होता है, एक दूसरे पर सरकते हैं, चलिए इसमें संकुचन होता है। वही आपका हुआ हृदय पेशियां, जो जीवन प्रयत्न संकुचित होती रहती है, सर्वाधिक लाल पेशी तंतु उपस्थित होता है हृदय पेशी में और इसको नियंत्रित करता है एएनएस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है आपका हृदय पेशियों में, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार पेशियां तीन प्रकार की है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में दोस्तों 649 पेशियां पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 600 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों हृदय की जो मांसपेशी है वो अनैच्छिक प्रकार की है, वह जीवन प्रयत्न में चलती रहती है, वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जब इसकी संकुचन प्रसार रुक जाएगा, जब धड़कना बंद कर देगा, तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पेशी विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेशी विज्ञान यानी कि गति विज्ञान इसको बोला जाता है। तो पेशी विज्ञान यानी कि किनेसियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गति का, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट यानी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट है शरीर रचना यानी एनाटॉमिकल भाषा में हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं। तो एनाटॉमिकल भाषा में हृदय के मांसपेशी को मायोकार्डियम बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों जो हमारे हृदय की मांसपेशी होती है, हृदय पेशियां मुख्य रूप से तीन पेशियों से मिलकर बनी हुई है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है, जो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना होता है, जिसके बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। नेक्स्ट है पूर्ण मांसपेशी टोन में से किससे किसके सर्वाधिक संबंधित होता है। तो यह प्रत्युत्तर समय से सर्वाधिक संबंधित होता है। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। तो दोस्तों लोअर लिम में यानी कि पैरों में जो होता है वह और हिप में मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल तंतु से बने स्नो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती है। तो दोस्तों लाल तंतु से बने स्नो ट्विस्ट मांसपेशियां सहन शक्ति के लिए उपयोग होती है। जैसा कि दोस्तों हमारे शरीर में जो स्केलेटल मसल्स होती है वह दो तंतु से बनी होती है। दो इसमें जो तंतु होती है मांसपेशी फाइबर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक रेड मसल फाइबर जिसे स्लो ट्विस्ट फाइबर कहते हैं, दूसरा व्हाइट मसल फाइबर जिसे फास्ट ट्विस्ट फाइबर कहते हैं। यानी रेड मसल फाइबर धीरे धीरे संकुचित होता है और व्हाइट मसल फाइबर जल्दी जल्दी संकुचित होता है। जो रेड मसल फाइबर होता है वो एरोबिक टाइप होता है, यानी कि इसमें आराम से सहनशीलता वाले इंडोरेंस वाले गेम जैसे लंबी दूरी की दौड़े आदि में ये ज्यादा काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अधिक पाया जाता है रेड मसल फाइबर में और इसमें सहनशीलता अधिक होती है, इसलिए अधिक समय की क्रिया करने के लिए रेड मसल फाइबर ज्यादा उपयोगी होता है। एंड जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट जल्दी जल्दी संकुचित होता है या अनएरोबिक क्रियाओं यानी छोटे समय की क्रियाओं में उपयोग होता है, जैसे स्प्रिंट दौड़े 100-200 दौड़े हो गया। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल के द्वारा प्रत्येक सेमी टू क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है जा सकता है। तो 3 से 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें स्थित होता है। तो यह होता है दोस्तों हीप में, ठीक है, हमारे कुल्ले में होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी। यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है और सबसे लंबी मांसपेशी कहेगा तो सार्टोरियस है। सबसे मजबूत मांसपेशी कहेगा तो हमारे निचले जबड़े का मसेटर मसल्स है, ये सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों तो इसमें दो प्रोटीन होता है स्केलेटल मसल्स में, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है। तो टेनिस फोरहैंड में हम क्या कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं। तो इसमें पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वक्ष पर स्थित होता है मांसपेशी, ये थ्रोअर मसल्स भी बोलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक स्थान पर जॉगिंग करने में क्या होता है। तो दोस्तों जो हम एक स्थान पर जॉगिंग करते हैं तो हमारे घुटने के पीछे की अतिरिक्त जो मांसपेशी होती है, जो घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। तो जब जॉगिंग करते हैं तो हमारे घुटने की पीछे की पेशी होती है
बस वो मजबूत नहीं होती है, उसके अलावा शरीर की समस्त मांसपेशियां जो है मजबूत हो जाती है एक ही स्थान पर जॉगिंग करने से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी है। जैसे कि हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, उसमें से जोड़ों की संख्या है 300। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। तो जब हम भारी व्यायाम करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो रक्त की आपूर्ति होती है स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है, एटीपी का संचयन कहाँ होता है। तो जो एटीपी का संचय होता है वो होता है मांसपेशियों में, क्रिया के दौरान उसका उपयोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पेशी केवल तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम द्वारा उद्दीप्त करने से ही आकुंचित होती है। तो वह होती है हमारा कंकाल पेशी, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, जिसका नियंत्रण सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, उसके द्वारा उद्दीप्त करने पर ही आकुंचित होती है। यह हमारे होते हैं कंकाल पेशी यानी ऐच्छिक पेशी, जिसे अरेखित पेशियां भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लीन बॉडी मास क्या है। तो लीन बॉडी मास जो है वह शरीर की पेशी हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यू है, ठीक है। वही फैट बॉडी मास बोलेगा दोस्तों, तो शरीर की पेशी हड्डी और दूसरे वसा युक्त टिश्यू होगा, वसा रहित टिश्यू लीन बॉडी मास। नेक्स्ट है, यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंची हो तो व्यायाम इतने घंटों के बाद किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि जोरदार प्रहार से आपकी पेशी को कहीं भी चोट लगा है तो हम 24 घंटे के बाद ही व्यायाम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है। तो यह होती है नितंब पेशी, जो ग्लूटियस मैक्सिमस आपकी पेशी होती है, वो सबसे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। सबसे लंबी पेशी कौन होती है, सार्टोरियस होती है, जो पट्टे के समान होती है। नेक्स्ट है, पेशी रेशाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, पेशी रेशाओं में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्टिन और मायोसिन दोनों। नेक्स्ट है, शरीर में पेशियों का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, 45% हमारे शरीर में पेशी का प्रतिशत होता है, यहाँ 45 दिया नहीं है तो 40 आपका सही हो जाएगा। 45% हमारे शरीर में पूरे शरीर के भार का 45% भाग ओनली पेशियों का होता है, जिसमें से 40% भाग रेखित पेशियों का खाली होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायक होता है। दोस्तों, तो यह कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी ऊतक होता है, यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, सीटअप का उद्देश्य है। तो सीटअप में दोस्तों, हमारा जो फोर्स होता है वो हमारा केंद्र पे यानी पेट पे पड़ता है, तो यह हमारी उदर की पेशी में शक्ति का उत्पन्न होना होता है, जैसे कि हमारे उदर की पेशियों को यानी पेट की पेशियों को मजबूत करता है सीटअप। और यह आता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जब आप सीटअप करते हैं तो पेट पे आपका फोर्स लगता है। तो सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें है आपका सीसा मोयर बोन, इसमें है आपका सीसा मोयर बोन, पटेला। तो सीसा मोयर बोन जो होता है वो कंडरा के आसपास होने वाली, जोड़ों के आसपास होने वाली आसपास की हड्डियों को हम कहते हैं सीसा मोयर बोन। एंड शॉर्ट बोन में जो होता है छोटे हड्डियां कार्पस और टॉर्टस आती है, ये भी सही है आपका। और फिर आपका है फ्लैट बोन, स्केपुला। तो फ्लैट बोन में हमारा जो जहां पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां पे होता है, जैसे कि हमारा खोपड़ी हो गया, इसके पुला हो गया, ये फ्लैट बोन में आते हैं। एंड इरेगुलर बोन जो होता है वह अनियमित अस्थियां होती है, जिसमें आपका चेहरे की और रीढ़ की हड्डियां आती है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, इरेगुलर बोन
टार्सस, क्योंकि रेगुलर ब्रून आता है हमारे चेहरे की ओर, रीढ़ की हड्डिया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा शरीर रचना संबंधित शब्द सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपका सीसामॉयड बोन, सामने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, बट यहाँ पे फ्रंटल मतलब होता है, फ्रंट मतलब होता है सामने, या इंटीरियर मतलब होता है सामने, ठीक। लेटरल मतलब बाहर की ओर, सही है। प्रोन यानी कि जो प्रोनेशन होता है, चेहरा नीचे होता है, सुपाइनेशन में चेहरा ऊपर होता है, ये भी सही है। और मेडियल जो होता है वो बीच मध्य की तरफ होता है, बट यहाँ पे चेहरा ऊपर दिया है, तो चेहरा ऊपर जो होता है वो हमारा सुपाइनेशन पोजीशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत सुमिलित है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्थि में कौन से लवण सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट जो होता है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। तो अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अस्थियों के साथ रेखित पेशियां किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो वह कंडरा यानी कि टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती है। वही भी पूछेगा कि एक अस्थि दूसरे अस्थि से जोड़ो पर किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। तो पेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है टेंडन के द्वारा, हड्डियां हड्डियों से जोड़ो पर जुड़ती है लिगामेंट के द्वारा, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो यह होता है आपका कैल्शियम फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है? ये हमारे कान में होती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं, तो स्टेपीज यानी कान की जो हड्डी होती है। नेक्स्ट है, रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती है? दोस्तों, तो ये हमारे अग्रबाहु यानी कि हमारे कोहनी से लेकर पंजे तक, जो कलाई तक का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं फोर आर्म, और अग्रबाहु हिंदी में कहते हैं। तो रेडियस अल्ना जो होता है वह फोर आर्म यानी कि अग्रबाहु में स्थित होता है। हमारे अंगूठे की तरफ की जो हड्डी होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो अंगूठे की तरफ से स्टार्ट होकर के कलाई से और कोहनी तक जाती है, और फिर जो अल्ना होती है वो छोटी उंगली की तरफ से स्टार्ट होकर के कोहनी तक जाती है। तो ये रेडियस अल्ना होती है अग्रबाहु यानी फोर आर्म में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और डेली बेसिस पे बने रहिए मेरे चैनल पे बेस्ट तैयारी के लिए, और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। और दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।